करके सुनसान लेकिन बड़ा पीसफुल खूबसूरत साफ सुथरा शहर, मतलब कि आवाम को ये कहते हैं कि सारा कुछ आखिर में मिलेगा और खुद सारा कुछ दुनिया में एंजॉय किया जा रहा है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी मजहबी शक्ति आपके बारे में क्या राय है। तो सबसे पहले आप अपने साथ मिलती साहब के बारे में साथ मिलती साहब तरीके लंबे के तारे आँखों के तारे लेकिन सियासी तरबियत की कमी। मौलाना तारिक जमील साहब एक तो मॉडर्न फैशनेबल मौलवी लेकिन अपने लिए दीनी स्टैंडर्ड और हैं और लोगों के लिए और है, मतलब कि आवाम को ये कहते हैं कि सारा कुछ आखिरत में मिलेगा और खुद सारा कुछ दुनिया में इंजॉय किया जा रहा है। तो सरमायादारी परस्ती जो सरमायादार के अंदर रह के जो लोग काम करते हैं सरमायादार निज़ाम में उनके आलाकार लोग भी काम कर रहे हैं ना कि दीनी इस्लाम। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में एक ही जुमला है, सियासी बटेर। दुनिया में फसली बटेर होते हैं, हमारे यहाँ मौलाना साहब को सियासी बटेर। ये तो आपने मजहबी के बारे में अपने इमरान खान साहब चॉकलेट बॉय लेकिन ग्राउंड रियलिटीज और सियासत की ना पुख्ती उनके अंदर। मरियम नवाज मौलूसी सियासत और बात वही है कि उनकी कोई ग्राउंड रियलिटीज को ट्रेनिंग नहीं है और सियासत का उनको एबीसी का नहीं पता और आए रोज उनके बयान के अंदर सरदारा। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो और मैं हम एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल CMS मुल्तान में पैदा हुए और उनको भी पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में उनको जो पाकिस्तान की बेसिक सियासत है उसका नहीं पता। उर्दू से वो नाम मदद हैं और सियासी तरबियत की भी बहुत ज़्यादा कमी है। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी लेकिन 9 बजे के बाद आपको ऐसा लगेगा वो हमारा कैपिटल सिटी जो पाकिस्तान के छोटे छोटे शहर हैं जिस तरह के मेरा शहर मैनसी है या आप जनूबी पंजाब के छोटे शहरों में जाएँ तो 9 बजे जो हालात वहाँ पे होंगे वही 9 बजे इस्लामाबाद में होंगे। सारे रोड खाली, सड़कें सुनसान लेकिन बड़ा पीसफुल खूबसूरत साफ सुथरा शहर, सेहत के लिए अच्छा है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, इंतहाई खूबसूरत, आलूदगी से भरा, खासतौर पर सब जब से यह हुकूमत आई है तो वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, ट्रैफिक से हैंडल और जो फ़िज़ाई आलूदगी है और वो बढ़ती जा रही है, साउंड पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है कि जब लाहौर आए तो आपको लाहौर बड़ा टफ टाइम मिलता है लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मेलसी मेरा हवाई शहर है और एशिया की दूसरी बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी आपको मेलसी में मिलेगी। एग्रीकल्चर में लोग गुजरांवाला और काड़ा का नाम लेते हैं लेकिन वो लोग नाम लेते हैं जिनकी सियासत तो पढ़ी नहीं, जिन लोगों ने एग्रीकल्चर को पढ़ा नहीं। अगर आप फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 2012 की रिसर्च देखें तो तब जब मेलसी के अंदर एक एग्रीकल्चर के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा था तब उन लोगों ने ये कहा था रिसर्च में कि अगर मेलसी शहर की सब्जी एक दिन मार्केट से बाहर ना निकले तो अगले पूरे पाकिस्तान में 27% रेट बढ़ जाएगा। आपको पूरे साल हर तरह की सब्जी मिलती है, ये सिर्फ मेलसी की वजह से है। स्ट्रॉबेरी पहले सिर्फ हुमकाओं में होती थी, उसके बाद लाहौर में अब मेलसी के अंदर आपको स्ट्रॉबेरी मिलती है और बड़ा अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा आम सोनभद्र और दुनिया में वहाँ से सूफी सोना हुआ जाता है। किन्नू बहुत बड़े मशहूर हैं, अभी लोग सिर्फ सरगोधा के हवाले से किन्नू के हवाले से सरगोधा को जानते हैं हालांकि लोगों को पता नहीं है बड़े सकीरी पाक वहीं में सबसे पहले जो किन्नू है वो मुल्तान में होता था शेरशाह सूरी के दौर से भी पहले, उसके बाद साथ मेलसी मुल्तान का एक छोटा सा शहर है। फिर वकाड़ा के अंदर घोड़ों के दौर में अंग्रेज राज के अंदर जो मिचल्स फैक्ट्री है इसको फ्रूट देने के लिए किन्नू के बाग लगाया गया और सब होता तो फिर आज की बात है जो लोगों के बाद जो लोगों को उसका याद नहीं था। एशिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी वहाँ पे तो बहुत ही अच्छी बात है।
और वो एशिया की दूसरी प्राइवेट लाइब्रेरी है। आप लोग वहाँ पर अपने रिसर्च के लिए जाते हैं, थीसिस के लिए जाते हैं, और अगर आपको शाम हो जाती है एक दिन में आप अपनी थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाते तो वहाँ की आप मैनेजमेंट को एप्लीकेशन देते हैं कि मैं लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से आया हूँ या आई हूँ और मेरा रिसर्च पूरा नहीं हुआ तो मुझे रिहाइश दी जाए, तो वो आपको रिहाइश भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, आपको सारी जो होटल के अंदर फैसिलिटीज़ हैं सारी देंगे और फिर कॉस्ट देंगे। और आजकल वहाँ के CEO हैं सरदार मियां हारून-ए-रशीद और वो खुद बड़ी वेल नोन एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं और इस चीज़ को उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपको इसके साथ ही अपनी मेजबान लाइव को शायद इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।